माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल व्यू ऑफ खतरनाक लेक फर्स्ट एंड दैट्स कट। वाटरफॉल से निकल के अब हम फिर से ये पहाड़ चढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप है, और इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद हम पहले लेक पे पहुँचेंगे जिसका नाम खतरनाक है। बिल्कुल स्टीप रास्ता है यहाँ से, लेकिन मज़ा भी उन्हीं रास्तों से चढ़ने में आता है जो डिफ़िकल्ट हो। मुझे क्यूरियोसिटी हमेशा इस बात की रहती है कि जब एक माउंटेन के एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं तो ये क्यूरियोसिटी रहती है कि उसके पीछे क्या होगा। बस अभी हम हैं एक माउंटेन के एंड पॉइंट पे और अब हमें देखना है कि इसके पीछे क्या है। लेक है, लेक तो नहीं होगा अभी, लेक थोड़ा बहुत दूर है, लेकिन वीडियोस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। आप भी देखते रहिए कि क्या होगा इस एंड पॉइंट के बाद। एक झरना आता हुआ उसी लेक से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। दरिया तरंगीर गोस कैसन खास ये कच लेक कैसन लेक लेक आशिर ये तो ऐसा फ्लावर आसा इमशी गो आज गुमित खत्म। यू कैन सी द माइटी कोलाहाई पीक ओवर देयर। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू see it from so close, so beautiful. Heading towards खतरनाक lake. अभी एक और ridge हमें चढ़नी है, अभी तक तो तीन ridges हम चढ़ चुके हैं, अभी एक और ridge फिर खतरनाक आएगा, उसके बाद एक और ridge और करारनाक आएगा, और देखते हैं अगर time खतरनाक तो हम देखेंगे confirm, लेकिन जो करारनाक है उसका करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत हिम्मत अता की इंशाल्लाह हम वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, लेकिन खतरनाक पहले पहुँचेंगे उसके बाद देखेंगे कि खतरनाक का क्या सीन रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल गली सराउंडेड बाय ह्यूज रॉक्स एंड स्टोन्स। Other members haven't reached yet here. We are like a half an hour from खतरनाक and 1 hour from करारनाक. करारनाक has actually 2 lakes and खतरनाक has 1 lake. I'm completely exhausted right now. Inshallah, अंदाजे से तो यही कह सकता हूँ मैं कि ये वाली रीच जो है इंशाल्लाह इसके उस पार पहली लेक ज़रूर होगी। उम्मीद भी यही करते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि लेक हो। सुबह 8 बजे से हम चल रहे हैं, अभी बज गए हैं 1, तो इस हिसाब से हम 5 घंटे चल चुके हैं अब तक। थोड़ा बहुत हम भटक गए थे एक जगह, वहाँ पे आधा एक घंटा थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया था, ज़ाया हो गया था, तो दूसरे रास्ते से आए हम, बट वहाँ से भी वाटरफॉल देखने को मिला, और इसमें भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि कुछ ना कुछ हासिल हुआ वहाँ से भी। बाकी साथी लोग तो अभी नीचे ही है, थोड़ा बहुत मेरे से थोड़ा 20 मिनट नीचे है वो, सो वो भी अभी आ रहे हैं। द अदर साइड ऑफ द कोलाही ग्लेशियर, द मेन कोलाही ग्लेशियर इज फ्रॉम द सतलंजन साइड, स्टैंडिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 4700 meters above sea level. This might be 4300 or 4500. Right now we are at 3700 something meters above sea level and just below खतरनाक lake. So कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही पलों के बाद आप lake first के नज़ारे देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक lake first.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दिस इज लेक फर्स्ट। इसका पानी अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो कंप्लीट आपको ये दिख जाता। ये वाला लेक जो है बिल्कुल कोलाई के जो ग्लेशियर्स है इस साइड वाले, बिल्कुल इसके नीचे है। इन्हीं का पानी इसमें जमा होके ये एक झील की शक्ल में तब्दील होता है। अभी इसका पानी थोड़ा सा कम, अभी कटरनाक जो तीसरा लेक है, करारनाक थर्ड, वो ऊपर है, करारनाक फर्स्ट, वो सेकंड, ये भी इसी के साथ थोड़ा बहुत ये बना हुआ है। अभी मैं पूरा लेक आपको दिखाऊंगा, पूरा अंदर से आपको दिखाऊंगा लेक। इस लेक को क्रॉस करते ही फिर आप जब वहाँ से जाएंगे तो आपको करारनाक थर्ड दिखेगा। आप गूगल मैप में भी सर्च मार सकते हैं, बिल्कुल गूगल मैप में दर्ज है लेक। इस ये लेक जो है ये कटरनाक नाम से गूगल अर्थ या गूगल मैप्स पे आप लोकेट कर सकते हो। सो अभी हम पुश करेंगे करारनाक थर्ड की तरफ, क्योंकि अभी दो तो कवर हो चुके हैं, इंशाल्लाह तीसरा भी देखेंगे। सो ये जो ये रिज है इससे आपको कंप्लीट ये लेक देखने को मिलेगा। अभी मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा छोटा सा झील है ये। इसके बाद एक और झील है और यहाँ से भी एक और झील है, माशाल्लाह। इस झील को आप इस पॉइंट से पूरा देख सकते हैं कि कहाँ तक ये झील है। एक छोटी सी झील है, प्यारी सी झील, बहुत ही सुंदर, स्काई ब्लू कलर का पानी। आपको जूम करके भी दिखाता हूँ थोड़ा सा कहाँ कहाँ से। अभी आपको ऊपर भी जब हम जाएंगे तो आपको नज़ारे दिखाएंगे इस लेक के। बढ़िया, क्या बासान सेकंड लेक करे, सेकंड क्या थर्ड, सेकंड तो ये ना, वो भी कहाँ सेकंड तूने देखा, ये ना सेकंड उधर से छोटा वाला, थर्ड नहीं देखेगा, देखे उसमें उसका नाम ही है करार नाग, उसको देख के करार आता है दिल को करा। चुगस का चुवन वीडियो असमस बगस न किहन एति बुझ बुझ करो बनत बुझो शायब का छु कनस तेमस शायब भाई बेग दो योर तेमस करो। ऐसी खूबसूरत जगहों पे खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। अगर इतन हक तो आज तत ही मज, मगर तो गैस आसन तो निशन मज लगा। अलग अलग पकवान सबने लाए हैं, उसने बिरयानी लाई है, अरे कोफ्ता लाया है, कुछ क्या कहते हैं कबाब वबाब कहते हैं। कटरनाक लेक के बिल्कुल सामने ये जो आप सामने ये लेक देख रहे हैं, ये है कटरनाक लेक टू, छोटा सा लेक है लेकिन अपना 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 अलग अलग अंदाज हर एक लेक का। हमारी टीम का बस एक ही मकसद है, पानी के जो ज़खायरात हैं, चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे वो झरने हो, रिवर हो, या खासकर लेक्स एक्सप्लोर करना, और जो ये कुदरती वातावरण है इसको बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ना। अब हम लेक थर्ड की तरफ पुश कर रहे हैं, जो कि करारनाक सेकंड के नाम से मशहूर है, या तो मुकामी बाशिंदे इसको कटरनाक थर्ड भी कहते हैं, लेकिन अगर मैप में देखा जाए तो करारनाक नाम के नाम से ये दर्ज है। तो लेट्स गो। माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल व्यू ऑफ कटरनाक लेक फर्स्ट एंड दैट्स कटरनाक लेक सेकंड। वो दे ये बहुत छोटा है, आप इसकी खूबसूरती देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वी आर क्विकली पुशिंग टुवर्ड्स करारनाक, इंशाल्लाह देख ही लेंगे। अल्लाहु अकबर, आई मेड इट टू करारनाक। ओ सो डिफिकल्ट, माय गॉड। करारनाक थोड़ा छोटा है बट माशाल्लाह आई मेड इट। दैट्स अ लिटिल लेक ओवर देयर। ओह माय गॉड, माइटी कोलाही एंड द बैक। अल्लाह अकबर
अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचाने की हिम्मत अता फरमाई। अल्लाह अकबर, दैट लेक ओवर देयर इज करार नाक सेकंड एंड आई मेड इट। माय अदर मेंबर्स आर डाउन बिलो। सो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने बेस कैंप अपने बेस कैंप जहाँ पे अपनी गाड़ी रखी है और वैली वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा कम है। सो लेट्स गो एंड डोंट वेस्ट द टाइम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।